में समर्थन दिया। उन्होंने कहा ये सपना हमारा था, हमने ये बिल लाया था। तो मुझे उनसे भी एक प्रश्न पूछना है कि 27 सालों में अगर ये आपकी इच्छा थी, आपका सपना था, तो 27 वर्षों में आप ये पूर्ण क्यों नहीं कर सके। मोदी जी की सरकार को सिर्फ 9 वर्ष हुए, 9 वर्ष में उन्होंने महिला के लिए, अधिकारों के लिए ये बिल भी लाया, पेश भी किया, और हम महिलाओं को, ये देश की महिलाओं को इतना कॉन्फिडेंट भी है कि आज वो बिल पास भी होगा और पूरी देश की जनता और महिला जितनी है वो ये आवाज सुन रही है कि मोदी जी ने सिर्फ मतदान का इस्तेमाल महिलाओं का नहीं किया, महिलाओं को अधिकार देने का काम ये पार्लियामेंट में किया। महिलाओं के नाम का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक मंचों पे किया गया, पर उन्हें अधिकार देने की बात किसी ने नहीं की। इतनी मंशा अगर स्पष्ट थी तो महाराष्ट्र की बात करते समय जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो इनको ये भी उत्तर देना पड़ेगा कि आज तक महिलाएं ना ही कभी मुख्यमंत्री का पद उन्हें कभी दिया गया, ना ही उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। इन्होंने ये भी उत्तर देना चाहिए, अगर महिलाओं पे इतना प्यार और विश्वास है तो आज महाराष्ट्र में आज तक महिलाओं पे इतना विश्वास क्यों नहीं दिखाया गया। सिर्फ शब्दों में विश्वास, सिर्फ मतदानों के लिए विश्वास। मुझे लगता है महिलाओं का इस्तेमाल आज तक किया गया है मतदानों के द्वारा, पर मोदी जी ऐसा नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तभी हम लड़के पार्लियामेंट में आएंगे। नहीं सर, हमारे ग्रेट लीडर्स ने, हमारे ग्रेट हीरोज ने, सभी ने, डोंट डिस्टर्ब सर, महिलाओं को बोलते हुए बीच में टोकना आपके लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है तो दिस पार्लियामेंट हैज टू लिसन, एंड आपके तरफ से तो ज्यादा सुनना चाहिए जिन्होंने 60 वर्ष राज किया और महिलाओं के सिर्फ मतदान का अधिकार यूज किया, बाकी महिलाओं प्रेसिडेंट आई हैव ऑलरेडी स्पोकन मैडम, यू डोंट हैव टू टेल। हम महिलाओं के सम्मान के लिए यहाँ खड़े हैं, महिलाओं ने महिलाओं का अपमान करने के लिए मंच नहीं है और पार्लियामेंट नहीं। बहुत धन्यवाद। आरक्षण, महिलाओं के आरक्षण का जो बिल है, पहले तो इस पार्लियामेंट में जितनी भी हमारी महिला रिप्रेजेंटेटिव होके गई हैं उनका दिल से नमन करना चाहूंगी, और आज जितनी महिलाएं इस सदन में हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं उनका सभी का मैं दिल से नमन और अभिनंदन भी करना चाहूंगी। बेनी वाले भैया, भैया महिला मेंबर स्पीकिंग प्लीज। राजस्थान के इलेक्शन है, हनुमान बेनी वाले भैया हमको सभी को पता है। नवनीत जी प्लीज स्टार्ट। यस सर, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बट इन बिटवीन ही वाज देयर सो आई स्टॉप्ड अगेन। नो तो इस पार्लियामेंट में जितनी भी महिलाएं हमारी आज सब चर्चा कर रही हैं कि आरक्षण होना है, होना चाहिए, हम सभी की इच्छा है, सभी महिलाओं की इच्छा है, पर यह बात भी सच है हमारे से ज्यादा पुरुषों की भी इच्छा है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों की इच्छा नहीं है कि हमारा आरक्षण इस पार्लियामेंट में आना चाहिए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई देता है तो देश के प्रधानमंत्री देते हैं कि उनकी जो इच्छा, उनका जो सपना है कि महिला इक्वली में ट्रीट हो, उनका सिर्फ भाषण में मान सम्मान ना हो, उनके अधिकारों के लिए भी उनका बिल ये पार्लियामेंट में आना चाहिए। इसलिए इस देश के हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी का भी दिल से मैं धन्यवाद करूंगी, और इस पार्लियामेंट को, ऐसा नहीं है इस पार्लियामेंट में बहुत सारी महिलाएं इस बिल के पहले भी अपने रिप्रेजेंटेटिव बन के आई हैं, सुषमा स्वराज जी हो, जयललिता जी हो, बंगाल की अब की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो और मायावती जी हो, ये सभी महिलाएं अपने अधिकार से लड़कर, किसी ने अभी बहुत अच्छा कहा कि बहुत सारे पुरुषों के सामने लड़कर महिला यहां तक पहुंचती है, इसमें कोई भी गलत एक भी शब्द नहीं, बहुत सारे चुनौतियों को सामना करके हम महिलाएं यहां तक लाती हैं। पर कई ऑपोजिशन के नेताओं ने अभी बोलते हुए मैंने सुना कि पहला महाराष्ट्र हो या बंगाल हो और अदर स्टेट्स में भी हमने आरक्षण लाया है, हम एक लड़की हैं या हम एक चाइल्ड हैं, ऐसा बोलते हुए मैंने अभी कई मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुना है। बहुत खुशी होती है कि ऐसे निर्णय भी बड़े लीडर्स ने अपने परिवार से शुरुआत की, और हमारे महाराष्ट्र में कई आरक्षण जिला परिषद, ग्राम पंचायत जितनी भी हैं उसमें आरक्षण हमें मिला गया है। पर मेरा एक सवाल भी रहेगा सर, कांग्रेस पक्ष ने आज सोनिया गांधी जी ने समर्थन दिया, उन्होंने कहा यह सपना हमारा था, हमने ये बिल लाया था,
तो मुझे उनसे भी एक प्रश्न पूछना है कि 27 सालों में अगर ये आपकी इच्छा थी, आपका सपना था, तो 27 वर्षों में आप ये पूर्ण क्यों नहीं कर सके? मोदी जी की सरकार को सिर्फ 9 वर्ष हुए, 9 वर्ष में उन्होंने महिला के लिए, अधिकारों के लिए ये बिल भी लाया, पेश भी किया, और हम महिलाओं को, ये देश की महिलाओं को इतना कॉन्फिडेंट भी है कि आज वो बिल पास भी होगा और पूरी देश की जनता और महिला जितनी है वो ये आवाज सुन रही है कि मोदी जी ने सिर्फ मतदान का इस्तेमाल महिलाओं का नहीं किया, महिलाओं को अधिकार देने का काम ये पार्लियामेंट में किया। और जिस दिन ये पार्लियामेंट में हम पहला दिन कदम रखे हैं, जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वास्तु पूजन करते हैं, तो महिला से शुरुआत करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, तो महिलाओं के नाम से जय जयकार होती है। पर आज तक दुर्भाग्य है इस पार्लियामेंट का और इस हमारी पूरे सदन का कि आज तक महिलाओं के नाम का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक मंचों पे किया गया, पर उन्हें अधिकार देने की बात किसी ने नहीं की। इतनी मंशा अगर स्पष्ट थी तो महाराष्ट्र की बात करते समय जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो इनको ये भी उत्तर देना पड़ेगा कि आज तक महिलाएं ना ही कभी मुख्यमंत्री का पद उन्हें कभी दिया गया, ना ही उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। इन्होंने ये भी उत्तर देना चाहिए, अगर महिलाओं पे इतना प्यार और विश्वास है तो आज महाराष्ट्र में आज तक महिलाओं पे इतना विश्वास क्यों नहीं दिखाया गया? सिर्फ शब्दों में विश्वास, सिर्फ मतदानों के लिए विश्वास। मुझे लगता है महिलाओं का इस्तेमाल आज तक किया गया है मतदानों के द्वारा, पर मोदी जी ने हमारी भावनाएं, हमारी, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तभी हम लड़के पार्लियामेंट में आएंगे, नहीं सर, हमारे ग्रेट लीडर्स ने, हमारे ग्रेट हीरोज ने, सभी ने, डोंट डिस्टर्ब सर, महिलाओं को बोलते हुए बीच में टोकना आपके लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है तो दिस पार्लियामेंट हैज टू लिसन, एंड आपके तरफ से तो ज्यादा सुनना चाहिए जिन्होंने 60 वर्ष राज किया और महिलाओं के सिर्फ मतदान का अधिकार यूज किया, बाकी महिलाओं के लिए कभी कुछ नहीं किया। ऑनरेबल मेंबरशिप में कविता, यस सर, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट सर। Please conclude, please conclude. President, I have already spoken, madam. You don't have to tell. हम महिलाओं के सम्मान के लिए यहाँ खड़े हैं, महिलाओं ने महिलाओं का अपमान करने के लिए मंच नहीं है और ये पार्लियामेंट नहीं है। Please conclude. सर, मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी, रानी झांसी लक्ष्मीबाई, आई जिजाऊ, आई रमाई, सावित्री ने, जिन्होंने हमको शिक्षण का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार, शिक्षण का अधिकार दिया सर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जिन्होंने मतदान का अधिकार दिया, आज ये पार्लियामेंट मोदी जी के द्वारा हमें हमारा अधिकार, हमारी ताकत, हमारा विश्वास हमारे में फिर से एक बार जगा है सर, लास्ट 1 मिनट, कि हम आने वाले समय में बराबरी में खड़े होकर हम निर्णय ले सकें। सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, 4 लाइन, अमित भाई भी यहाँ पे, हमारे अमित शाह जी भी यहाँ पर बैठे हैं। सर, आप लोगों की भावना हमने 4.5 वर्षों में ये पार्लियामेंट में सबने महसूस किए, महिलाओं ने जिस तरीके से एक नई सांसद को आपने मौका दिया, हर बार अपने विचार यहाँ रखकर हमें चांस दिया कि आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरीके का विश्वास पार्लियामेंट में मिला। सर, लास्ट 4 लाइन्स, सर जस्ट 4 लाइन्स, सम्मान तुम हो, 1 मिनट कविता गारू, सम्मान तुम हो, स्वाभिमान तुम हो, अभिमान तुम हो, दिल अपना कभी ना दुखाना, उस विधाता का विधान तुम हो। और सर को दिल से मैं धन्यवाद करूंगी कि हम जैसी नॉर्मल फैमिली से, बैकग्राउंड से आने वाली महिलाओं को आने वाले समय में बहुत मौका